अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान सलीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है और ये इसकी जो है वो स्कोप क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट करेंगे। चूँकि इस ग्रुप के अंदर मेम्बर जो हैं वो कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, तो इसलिए वेरी बेसिक से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए आप किस तरह जो है वो क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने ओपन किया, ओपन करते ही हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो टैब्स आएंगे उसमें सबसे पहले होम है, जो होम स्क्रीन अभी ओपन है। उसके बाद हमारे पास न्यू टैब की एक बटन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टैब, ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ये पेज हमें बताता है कि हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ब्लैंक पेज है, सबसे पहले ब्लैंक पेज हम किसी भी असाइनमेंट बनाने के लिए, टेक्निकल रिपोर्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, थीसिस बनाने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास रेज्यूमे है, रेज्यूमे के टेम्पलेट हमारे पास पड़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए अगर आप ऑनलाइन हैं, आपका इंटरनेट आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, तो आप सिंपल जो है वो टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके इन चीज़ों को एडिट करके एक रेज्यूमे जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। ये फर्दर हम आगे जाकर देखेंगे। इसके अलावा हम कैलेंडर बना सकते हैं अपनी मर्जी का, हम अपना कोई भी स्केड्यूल जो है वो इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, हमारा एक कैलेंडर बन जाया करेगा। उसके अलावा रेज्यूमे वगैरह हम बना सकते हैं, रेज्यूमे का टेम्पलेट पेश हमारे यहाँ पर भरे हुए हैं। उसके अलावा हम जो है वो कवर लेटर बना सकते हैं, कवर लेटर के अलावा हम जो है अपनी रेज्यूमे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे इसको तो और भी ज़्यादा अच्छे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रोशर्स के टेम्पलेट हमारे पास मौजूद है कि ब्रोशर्स अगर आपने किसी के लिए बनाना है या खुद अपने लिए बनाना है तो ब्रोशर डिज़ाइन हम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे जहन में ये होता है कि वर्ड जो है वो सिर्फ टाइपिंग के लिए और डैट सेट सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, लेकिन नहीं, वर्ड को यूज़ करते हैं हम ब्रोशर्स वगैरह बना सकते हैं, हम ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जो है वो जो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पर जाकर हमने काम करना है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है टेक्निकल रिपोर्ट्स के टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं सभी, तो इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, इनवाइस बना सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए जो हम जाते हैं उनकी इनवाइस लेने के लिए, जिसके ऊपर बिल वगैरह की सारी पेमेंट होती है, हम वो बना सकते हैं वर्ड को यूज़ करते हुए। सर्टिफिकेट्स हम बना सकते हैं, कोई भी वेडिंग कार्ड्स वगैरह जो हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं, फैक्स बना सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं और हम सीखेंगे भी आगे जाके इस वीडियोज़ में। उसके अलावा हमारे पास जो न्यू टैब दूसरी टैब आ जाती है उसमें ओपन की टैब है। ओपन की टैब को हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। इसमें हमारे पास जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स ओपन हुए होते हैं हम वही ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कहीं और से डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे अकाउंट्स के ऑप्शन है, फीडबैक है और ऑप्शन है। अकाउंट के ऑप्शन में हम जाते हैं तो हमने कोई ना कोई जो है वो अकाउंट वर्ड के साथ लिंक करते हैं तो फिर ही वर्ड जो है वो ओपन होना शुरू होता है। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो लिंक किया हुआ है। आप लोग जब सब अपना अपना अकाउंट लिंक करेंगे और उसके बाद रजिस्टर करेंगे इसको, फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। इसकी लाइसेंस प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, न्यू के ऊपर आएंगे। न्यू के ऊपर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब हम ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया और ब्लैंक ओपन होने के बाद हमारे पास एक पेज आ गया। अब इस पेज के अंदर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सबसे टॉप के ऊपर लेयर है, इस लेयर को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर हमारे पास जो है वो सेव करने की ऑप्शन मौजूद है, ऑटो सेव की कंट्रोल है, इस कमांड होती है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है वो जिस नाम से भी आप सेव करेंगे वो यहाँ पे जहाँ डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है इस जगह पर वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके अलावा जो अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। मिनिमाइज आप कर सकते हैं, क्लोज करने के लिए हम जो है वो ये बार यूज़ करेंगे। जो सेकंड बार हमारे पास है उसको मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें ये इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस वगैरह लिखे हुए हैं, ये मेन्यू बार होती है। और ये हमारे पास जो है वो मेन टूल बार होती है। हर मेन्यू बार के अंदर जो है वो डिफरेंट टूल्स होंगे, हम उनको यूज़ करेंगे। हर टूल का जो है वो डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल होगा, डिफरेंट उसकी वर्किंग होगी, डिफरेंट कमांड्स होंगी उसकी, तो हमने किस तरह उनको यूज़ करना है ये सारे हम जो है वो वीडियोज़ में आगे जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले होम की है। होम के अंदर जो है वो हमारे पास ये लॉट ऑफ द टूल्स जो है हमारे पास मौजूद है। इन सबको यूज़ करना, कब यूज़ करेंगे, कौन सा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे कौन सा है, कौन सा फ़ोन जो है वो हमने किस रिपोर्ट के लिए कौन सा फ़ोन रखना है, किस रिसर्च पेपर के लिए कौन सा फ़ोन रखना है, ये सारे जो है वो आपको आगे जाकर बताएंगे। होम का बटन है। उसके अलावा इंसर्ट है। इंसर्ट में आप किसी भी एक्सटर्नल कोई चीज़ आपने इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट से जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह कोई भी इंसर्ट करनी है तो वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ड्रा है, रैंडमली कोई अगर हमने ड्राइंग बनानी है, कोई कार्टून बनाना है या कोई चीज़ करनी है
तो उसके लिए हम ये जो है वो टूल्स यूज़ करते हैं। डिज़ाइन अगर हमने कोई करना है, अपना टेम्पलेट जो है वो डिज़ाइन करना, कोई प्रपोजल बनाना है, उसके लिए जो हमारे पास जो है डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, जो पेजेस के नंबर्स वगैरह होने चाहिए, वो हम यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेआउट डिफरेंट हमारे पास मौजूद है, रेफरेंसेस में किसी को मेल करनी है, उसके अलावा रिव्यू डॉक्यूमेंट करना आपने, उसके अलावा ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है एंड नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये कोई भी आप जो, जैसे कि मोस्टली हमारे मेंबर जो हैं वो या तो इंजीनियर्स हैं या आप सीए हैं, तो अगर आप कोई भी रेफरेंस पेपर लिखने बैठेंगे या कोई भी आप जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें आपको रेफरेंस देने पड़ते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं, उसके नीचे हमें देना पड़ता है रेफरेंस। अब रेफरेंस जो से हैं, हम मोस्टली ये करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब रेफरेंस कॉपी पेस्ट नहीं करे किए जाते, लिंक आप वहाँ से कॉपी करते हैं, रेफरेंस की एक टैब दी और नीचे जो है वो रेफरेंस लिख दी, ये प्रोफेशनल वे नहीं होता। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनली यूज़ होता है कि आपने रेफरेंस को किस तरह साइट करना है, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह आपने रेफरेंस को साइट करना है, उसके लिए एंड नोट हमारे पास यूज़ होता है। तो एंड नोट को किस तरह यूज़ करना है ये भी हम आपको नेक्स्ट आगे जाकर बताएंगे। तो उसके अलावा हमारे पास ये जो वाइट कलर की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास होती है वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस के अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो जो है वो इसके अंदर टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने, इसके अंदर ही सब कुछ लिखना होता है, इसके ऊपर ही हमने सब कुछ करना होता है। तो हम ये जो है वो वर्क स्पेस के अंदर सब कुछ जो है अपना जो वर्किंग हमारी वो हम करेंगे। उसके अलावा हम नीचे आएंगे तो बॉटम पे हमारे पास पेजेस के ऑप्शन है कि फर्स्ट पेज खुला हुआ है। उसके अलावा जो हमने लैंग्वेज जो अपने कंप्यूटर की साइड की है, उसी लैंग्वेज का जो है हमारा जो है वो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको पिकअप करेगा। उसके अलावा हमारे पास जो है राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास रीड के मोड्स हैं कि हम किस मोड के ऊपर रीड कर सकते हैं। अब ये हम मोड चलाएंगे तो ये हमारे पास ओपनली टू पेजेस के तौर पे, जैसे एक बुक को रीड किया जाता है उसकी तरह ये ओपन हो जाएगा। अगर हम जिस मोड के ऊपर ओपन हैं तो ये हमारे पास इस तरह का मोड है। उसके अलावा जूम इन जूम आउट करने के ऑप्शन है, हम पेज को जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं अपनी विजन और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको सेव कैसे करना है, उसको सेव करने के लिए हम सबसे पहले फाइल के पास जाएंगे। फाइल में जाने के बाद हम सेव के ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम सेव के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, तो हम उस करेंगे इसे। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कोई भी नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ असाइनमेंट वन, अगर मैंने इसको कह दिया तो इस नेम के साथ मैं जब इसको सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा, जो हमारे पास अब जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन के नाम से आ रहा था वो असाइनमेंट वन के नाम से वो सेव हो चुका है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन था और उसकी थोड़ी बेसिक्स थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस।